आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के 6 दिन बाद शेख हसीना ने कहा है कि अमेरिका को सेंट मार्टिन आइलैंड न देने की वजह से उनकी सरकार गिराई गई है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक हसीना ने अपने करीबी सहयोगियों से कहा, मैं कट्टरपंथियों की हिंसा में मरने वालों की संख्या को बढ़ने नहीं देना चाहती थी। वे छात्रों के शवों के जरिए सत्ता हासिल करना चाहते थे, लेकिन मैंने पद छोड़कर ऐसा नहीं होने दिया। हसीना ने कहा, मैं सेंट मार्टिन द्वीप और बंगाल की खाड़ी को अमेरिकी कंट्रोल में देकर अपनी कुर्सी बचा सकती थी। मैं देशवासियों से अपील करती हूं कि वे कट्टरपंथियों के बहकावे में न आए। अल्लाह की कृपा से मैं बांग्लादेश जल्द लौटूंगी। छात्रों के आंदोलन पर बात करते हुए हसीना ने कहा, मैंने कभी उन्हें रजाकर नहीं बुलाया। देश में अस्थिरता लाने के लिए मेरे शब्दों को गलत तरह से पेश किया गया। बांग्लादेश की जनता की मासूमियत का फायदा उठाते हुए यह साजिश रची गई है। इस्तीफे के बाद पहला मौका है जब हसीना का इस मामले में कोई बयान सामने आया है। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।